बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची बनाने वाले और जिले में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टर दतिया संजय कुमार ने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वो छात्र निराश ना हो जिन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, ये उनके लिए चैलेंज है। आगे आने वाले समय में और मेहनत करें और अपना उत्कृष्ट स्थान बनाएं। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदरगढ़ में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दतिया कलेक्टर संजय कुमार, अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी यूडी मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राइवेट स्कूल एसोसिएट के संभागीय अध्यक्ष संतोष उपाध्याय उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कलेक्टर दतिया संजय कुमार ने किया। सम्मान समारोह के आयोजक नवनीत श्रीवास्तव, आर के शर्मा सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर स्वागत किया। विद्यालय के 43 छात्र छात्राओं को कलेक्टर संजय कुमार ने शील्ड और पहचान चिन्ह देकर सम्मानित किया। कलेक्टर संजय कुमार ने बच्चों को कहा कि अभाव में रहकर शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रथम स्थान पाना वास्तव में प्रशंसनीय है, हमें लक्ष्य बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाएं हैं, बस जरूरत है उसे निखारने की। इस अवसर पर कलेक्टर दतिया ने सभी मेरिट प्राप्त छात्र छात्राओं को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सुनील खरे ने किया। कुमार जी, हमारे बीच जिला शिक्षा अधिकारी श्री यूएन मिश्रा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष श्री संतोष उपाध्याय, प्रथम स्थान प्राप्त किया है साइंस और कला, उसमें जोरदार तालियों के साथ सब लोग तालियों में कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। खासतौर से ये अल्लाह उम्र में टीनेज जो होता है, ये जिसके बच्चे हैं, ये अक्सर काफी बच्चे तो चले गए, ये टीनेज जो है वो काफी अल्लाह होता है। खास सिंह परिहार, ये जो पंजाब सिंह परिहार है शिक्षक, उनके सुपुत्र है और वर्तमान में एम्स दतिया